मेरे विद्यार्थियों, आज हम पैराबोला में आप जैसे मानक रूप है तो आप फोकस, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, वर्टेक्स, ये सब निकालना जान गए हैं। लेकिन अब देखिए, मानक रूप नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो कैसे करेंगे? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस एलेवन इक्वल टू जीरो है, तो इसका आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा एक्स के जो टर्म है उनको एक साथ इधर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और वाई की उस तरफ, यानी जिसकी पावर दो है उसको इस तरफ रखेंगे और जिसकी पावर एक है उस तरफ भेज देंगे। अब देखिए इसको परफेक्टली, एक्स का कोफिशियंट सिक्स है, सिक्स का हाफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एक प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इधर भी थ्री का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री के स्क्वायर, यहाँ फोर वाई एलेवन और नाइन ट्वेंटी हो जाएगा। तो एक्स माइनस थ्री के स्क्वायर टू फोर वाई प्लस ट्वेंटी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इधर फोर कॉमन ले लेंगे तो वाई प्लस फाइव। अब हम एक्स माइनस थ्री को कैपिटल एक्स मान लेंगे और वाई प्लस फाइव को कैपिटल वाई, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई। अब आप बताइए कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, वाई की पावर एक। अब एक एक पर चर्चा करते हैं अपवर्ड पैराबोला पे। सबसे पहले हम वर्टेक्स पर चर्चा करते हैं। वर्टेक्स क्या होता है बेटा, अपवर्ड पैराबोला का क्या होता है, जीरो जीरो। तो हम क्या करेंगे, जीरो जीरो, देखिए आपको मैंने बताया था कि इसका और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, वही होता है वर्टेक्स, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो। तो यहाँ एक्स का मान क्या है बच्चों, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो एक्स की वैल्यू हो गई एक्स माइनस थ्री, वाई की वाई प्लस फाइव, तो एक्स इक्वल टू हो गया थ्री, वाई इक्वल टू हो गया माइनस फाइव। तो जो वर्टेक्स शीर्ष हुआ वो क्या हुआ, थ्री कॉमन माइनस फाइव। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं फोकस पर। फोकस बताइए, अपवर्ड पैराबोला के लिए फोकस क्या होता है, जीरो कॉमन ए, क्योंकि वाई एक्सिस पर ऊपर रहता है, एक्स जीरो हो जाता है, जीरो कॉमन ए। तो जीरो कॉमन ए की वैल्यू वन है, क्योंकि इसकी कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर ऑफ फोर ए वाई से, तो ए की वैल्यू जो है वन हो जाएगी। तो जीरो का मान कैपिटल एक्स जीरो, कैपिटल वाई वन, कैपिटल एक्स का मान एक्स माइनस थ्री और कैपिटल वाई प्लस फाइव, तो एक्स इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू माइनस फोर। तो आपका फोकस हुआ क्या, हो थ्री माइनस फोर। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या करें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसका होता है देखिए y प्लस ए बराबर जीरो, क्योंकि इसका डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, नियता जो होगी वो वाई एच के, देखिए अपवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से होगा, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y बराबर होगा, और नीचे है तो y बराबर माइनस ए, तो y प्लस ए बराबर जीरो, तो कैपिटल y प्लस ए बराबर जीरो, y की वैल्यू y प्लस फाइव, ए की वैल्यू वन, तो y प्लस सिक्स बराबर जीरो हो गया। आप पिछला पूरा दोहरा लीजिएगा तब आपको अच्छा समझ में आएगा। एक्सिस अपवर्ड पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस होगी, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगा क्या, y एक्सिस ही है तो x बराबर जीरो, कैपिटल x बराबर जीरो, तो x की वैल्यू x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि x बराबर थ्री, यानी कि जो पैराबोला दिया है इसकी जो एक्सिस होगी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इसके बाद आपका लेटस रिक्टम होगा। लेटस रिक्टम क्या होता है, फोर ए, लेटस रिक्टम क्या होता है बच्चों, फोर ए, फोर ए, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, एक है, तो फोर आ जाएगा। इस तरीके से आप बात कर सकते, वाई प्लस थ्री का स्क्वायर टू एक्स प्लस टू आपको याद करने हैं।
फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, उसके बाद जो है आपको वर्टेक्स निकालना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, ये तो बना बनाया है, तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या माने, वाई प्लस थ्री कैपिटल एक्स, एक्स प्लस टू। अभी राइट हैंडेड पैराबोला के रूप का है तो उसी से कंपेयर करेंगे, फोर ए एक्स से फोर ए हो गया टू, ए हो गया टू बाई फोर, वन बाई टू। अब सबसे पहले वर्टेक्स पर चर्चा करते हैं, वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, जीरो कॉमा जीरो होता है, कैपिटल एक्स जीरो, कैपिटल वाई जीरो, कैपिटल एक्स क्या होता है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर माइनस टू, वाई बराबर माइनस थ्री, तो वर्टेक्स आपका हो गया माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। फोकस पर चर्चा करते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला है, सब जानते हो राइट हैंडेड पैराबोला में जो फोकस होता है एक्स एक्सिस पर होता है ए कामा जीरो, तो फोकस आपको हो जाएगा ए कामा जीरो, ए का काम वन बाई टू कामा जीरो, कैपिटल एक्स वन बाई टू, कैपिटल वाई जीरो, कैपिटल एक्स का मान क्या है एक्स प्लस टू, वाई का मान क्या है वाई प्लस थ्री, तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू माइनस टू, वाई इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री बाई टू और वाई माइनस थ्री, तो फोकस आपका हुआ माइनस थ्री बाई टू का मान माइनस थ्री। समझ गए होंगे आप। अब आते इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर आते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर आते हैं, तो देखिए आप कैसा पैराबोला, राइट हैंडेड, तो डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। वैसे मैंने ट्रिक भी बताया था कि अगर यहाँ पहले नंबर पे हो तो इसमें एक्स ऐड कर लेंगे, दूसरे पे हो तो वाई ऐड करें, तो पहले नंबर पे है वैसे भी एक्स बराबर होगा माइनस ए, तो एक्स प्लस ए बराबर जीरो, तो कैपिटल एक्स प्लस ए बराबर जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फाइव बाई टू इक्वल टू जीरो, या टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आप जानते हो राइट हैंडेड है पैराबोला, तो यानी किस एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, तो y इक्वल टू जीरो होगा, y की वैल्यू y प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि y इक्वल टू माइनस थ्री होगा, तो y इक्वल टू है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा इसका एक्सिस, और लेटेस्ट डिस्टेंस तो वही होगा, क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी बेटा, फोर a की वैल्यू कितनी है वन बाई टू, तो टू आ जाएगा। प्रयास करते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो, देखिए वाई की पावर दो है, इसको इधर रखेंगे और उसको इधर भेज देंगे, माइनस फोर एक्स माइनस थर्टीन, वाई का कोफिशियंट क्या है सिक्स, सिक्स का जो है हाफ करेंगे थ्री होगा, थ्री के स्क्वायर ऐड करेंगे इधर, माइनस फोर एक्स माइनस थर्टीन प्लस थ्री के स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई प्लस थ्री का स्क्वायर, और इधर माइनस फोर एक्स माइनस थर्टीन प्लस नाइन, तो वाई प्लस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस फोर, तो वाई प्लस थ्री का स्क्वायर बन जाएगा माइनस फोर का मान लीजिए एक्स प्लस वन, वाई प्लस थ्री को कैपिटल वाई मानेंगे, इसको कैपिटल एक्स मानेंगे, तो कैपिटल वाई क्या होगा वाई प्लस थ्री कैपिटल एक्स हुआ एक्स प्लस वन। अब आपको दिखने लगा होगा कि ये जो है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के रूप का है, जिसकी कंपेयरिंग करेंगे वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स, फोर ए हो गया फोर ए इक्वल टू वन। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के बारे में आप सब जानते हो, ये देखिए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, तो सबसे पहले वर्टेक्स पर चर्चा करते हैं, वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, जीरो जीरो होगा, कैपिटल एक्स जीरो, कैपिटल वाई जीरो, एक्स प्लस वन जीरो, वाई प्लस थ्री जीरो, एक्स इजक्वल टू माइनस वन, वाई इजक्वल टू माइनस थ्री, माइनस वन का मान माइनस थ्री। वर्टेक्स हो गया, अब हम फोकस पर आते हैं, फोकस पर फोकस करते हैं, फोकस क्या होगा माइनस ए जीरो माइनस वन जीरो, लेफ्ट हैंडेड है,
तो x इक्वल टू माइनस वन y इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू है x प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, y प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस टू, y इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू का मान माइनस थ्री। फोकस हो गया। फोकस के बाद क्या आता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मुख्य यही है सर। क्या होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आप जानते हो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, x बराबर a, x माइनस a, वैसे नंबर एक पर है तो x जोड़ देंगे, x रेड a बराबर जीरो, x की वैल्यू क्या है, x प्लस वन माइनस वन जीरो, x इक्वल टू जीरो, यानी कि जो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा वो जो है y एक्सिस ही होगा। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस पर। इक्वेशन ऑफ एक्सिस पर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस लेफ्ट हैंडेड है तो x एक्सिस होगा, तो y बराबर जीरो, तो y प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, सिस्टम तो निकाल ही लोगे, फोर ए फोर इंटू वन क्वेश्चन, y स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी फाइव जीरो। आप क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई, देखिए दो घात वाला इधर रख दी और उधर फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव, राइट। अब क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो वाई का कोफिशियंट क्या है सिक्स, तो आधा उसका क्या होगा थ्री, थ्री का स्क्वायर ऐड करेंगे इधर, तो इधर भी थ्री का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो जाएगा वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स माइनस 16, क्यों, तो y माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 4x माइनस 4, कैपिटल y इसको माने लेट y माइनस थ्री इक्वल टू कैपिटल y, x माइनस 4 इक्वल टू कैपिटल x, तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। साफ साफ राइट हैंड पर अबोला दिख रहा है, कंपेयर करेंगे y स्क्वायर 4x से, 4a इक्वल टू 4 आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया। अब एक एक पर हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले चर्चा किस पर करेंगे, वर्टेक्स पर चर्चा करेंगे, तो वर्टेक्स पर क्या चर्चा होगी, वर्टेक्स क्या होता है, जीरो जीरो, कैपिटल एक्स जीरो, कैपिटल वाई जीरो, तो एक्स माइनस फोर जीरो हो गया, वाई माइनस थ्री जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू थ्री, तो वर्टेक्स आपका आ गया फोर गामा थ्री, इस पैराबोला का वर्टेक्स, राइट। अब आते हैं फोकस पर चर्चा करते हैं, फोकस ना विपुल, फोकस ए जीरो होती है, तो ए जीरो एक मतलब वन जीरो, कैपिटल एक्स वन, कैपिटल वाई जीरो, तो एक्स की वैल्यू एक्स माइनस फोर इक्वल टू वन, वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू फाइव, वाई इक्वल टू थ्री, तो फोकस हो गया फाइव का मतलब थ्री। अब किस पर चर्चा करते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर चर्चा करते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, नंबर एक पर है तो एक्स प्लस ए बराबर जीरो, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स माइनस फोर प्लस वन बराबर जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये क्या होगा बच्चों, राइट हैंडेड पैराबोला है तो एक्स एक्स ही यू होगा उसका, अच्छा तो वाई बराबर जीरो, वाई की वैल्यू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो, वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब लेटर सेक्टम की लेंथ निकालेंगे, फोर ए फोर हो जाए, इसका आपको निकालना है वही चीज है जो पहले निकाल चुके हो, वर्टेक्स फोकस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या करेंगे, टू वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो थ्री वाई इधर भेजेंगे, फोर एक्स प्लस थ्री, अब टू का डिवाइड कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू वाई इधर हो जाएगा, टू का डिवाइड करेंगे टू एक्स प्लस थ्री बाई टू, राइट। अब वाई का कोफिशियंट थ्री बाई टू है तो थ्री बाई फोर के स्क्वायर जोड़ेंगे, क्योंकि टू ए बी होता है तो बी का मान इसका टू बी होता तो उसका आधा, थ्री बाई फोर के स्क्वायर ऐड करेंगे इधर, टू एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई फोर के स्क्वायर, तो हो जाएगा y प्लस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस नाइन अपॉन सिक्सटीन, तो हो जाएगा y प्लस थ्री बाई फोर का स्क्वायर टू एक्स प्लस सिक्सटीन, या ले लेंगे
24 प्लस नहीं हो जाएगा वाई प्लस 3/4 के स्क्वायर 2x प्लस 33/60 वाई प्लस 3/4 के स्क्वायर इक्वल टू कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस 33/32 मानेंगे और एक कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 33/32 वाई वाई प्लस 3/4 एक राइट हैंड पैराबोला के रूप है तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax 4a इक्वल टू 2a इक्वल टू 1/2 अब हम एक एक चीज पर चर्चा करते हैं जो है वर्टेक्स पर ही आते हैं वर्टेक्स क्या होता है बच्चों 0 0 कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0 एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 33/32 वाई प्लस 3/4 तो एक्स का मान आ गया -33/32 वाई का मान -3/4 तो आपका आ गया -33/32 गामा -3/4 वर्टेक्स आ गया वर्टेक्स के बाद आप फोकस पर आएंगे आ जाइए भाई फोकस पर फोकस राइट हैंडेड है तो 1,0 तो 1/2,0 कैपिटल एक्स 1/2 कैपिटल वाई 0 एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 33/32 इक्वल टू 1/2 वाई प्लस 3/4 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू हो गया 1/2 -33/32 वाई इक्वल टू -3/4 तो यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल टू 32/16 -33 कितना आएगा -17/32 वाई -3/4 आपका आ गया -17/32 कामा -3/4 अब आते हैं क्या बच्चा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा राइट हैंडेड है तो एक्स प्लस 0 होगा कैपिटल एक्स प्लस 1/2 0 तो एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 33/32 प्लस 1/2 राइट तो हो जाएगा एक्स प्लस 33/16 तो एक्स प्लस 49/32 अब आते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पर आते हैं तो क्या होगा राइट हैंडेड पैरा बोला है तो एक्स एक्सिस होगा तो वाई बराबर 0 तो वाई की वैल्यू वाई प्लस 3/4 इक्वल टू 0 तो आपका ये होगा